Subscribe to ADA247 and press the bell icon to never miss another update. Subscribe to ADA247 and press the bell icon to never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड द अदर पेपर्स। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। देर इज़ वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, एक ही चीज़ है इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप लूज़र हो सकते हैं एंड यू कैन बी सेल्फ सेटिस्फाइड, आप विनर हो सकते हैं यू कैन बी सेल्फ सेटिस्फाइड, आप डॉन हो सकते हैं यू कैन बी सेल्फ सेटिस्फाइड, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं यू कैन बी सेटिस्फाइड, यू कैन बी रिच यू कैन बी पुअर। द मेन एजेंडा ऑफ लाइफ गाइस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एंड एक टिप दूंगा आपको जो मैं शायद कोशिश करता हूँ फॉलो करने की अपनी लाइफ में, कि नो मैटर इफ इट इज़ सैडनेस, नो मैटर इफ इट इज़ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपके साथ हो रहा है, दिस थिंग इज़ हैपनिंग टू यू, एक्सेप्टेड एंड डू द बेटर, डू द बेस्ट दैट यू कैन डू। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिएक्शन उस एक्शन पर। कोई भी लाइफ में, चाहे आपकी ज़िंदगी 30 साल की रही हो, 25 साल की रही हो, यू माइट बी 20 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स ऑफ एज, अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट थिंग्स विल गो साउथ, थिंग्स विल गो बैड, थिंग्स विल बी बेटर। इन बोथ द थिंग्स यू हैव टू बी एट पीस कि यार मेरी को अपना काम करना है, मेरे को अपनी पूरी कोशिश लगानी है। एंड डजंट मैटर कि आप हारो या जीतो, व्हेन यू विल बी 90 इयर्स ऑफ एज देन यू विल नॉट रिग्रेट, आपको पश्चाताप नहीं होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो बिना कुछ किए भी आ सकता है और बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं आ पाता। सो प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग एंड चलिए शुरू करते हैं। एंड ऐसा ही एक क्रिकेटर है जिसने कल रिटायर किया है अपनी क्रिकेट जर्नी से, एंड ही वॉज वन ऑफ माई आइडल्स। ही इज समवन हु हैज़ वन अस मल्टीपल वर्ल्ड कप्स इंक्लूडिंग द अंडर 19 2011 एंड द 2007 T20 वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। दिखा दें एक बार, युवराज सिंह हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ही विल कंटिन्यू टू प्ले इन द डोमेस्टिक परहैप्स एंड ऑल्सो इन द क्रिकेट लीग्स, बट वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलेंगे। वेल, इन टर्म्स ऑफ द यूवी मोमेंट्स गाइस, आप सबको याद होगा हिज फर्स्ट डेब्यू मैच, हिज सेकेंड इनफैक्ट डेब्यू मैच इन विच ही स्कोर्ड 84 रन्स अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, देन 58 अगेंस्ट अगेन द ऑस्ट्रेलियंस इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड वेर ही हिट 6 sixes ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड, देन 85 इन द चेन्नई टेस्ट वेर ही प्लेड इंडिया वेर ही चेज अलॉन्ग विथ सचिन तेंदुलकर, 57 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेन इन द वर्ल्ड क्वार्टर फाइनल जो कि एक क्रूशल था, एंड देन इन द नॉर्थ वेस्ट फाइनल जहाँ पर मोहम्मद कैफ के साथ ही प्लेड अ बिगर रोल वेन ही स्कोर 69 अगेंस्ट इंग्लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट ट्रॉफी फाइनल। सो युवराज सिंह इन फैक्ट हैज बिड अडियू, ही हैज रिटायर्ड from international cricket and from the entire team of 247 and also from me, we are proud to have such a great player and also a survivor of cancer, and we hope that he continues to inspire as many people as possible. So ye hamari pehli khabar hai, isme khabar nahi hai, it is basically an ode to the great man that is Yuvraj Singh. Chali आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी पहली खबर पे। दोस्तों पहली खबर जो है दैट इज़ दी ओबिचुरी सेक्शन। क्रेज़ी मोहन इनका नाम था, क्रेज़ी इनका एक फेमस इनको उपनाम दिया गया था। ही वॉज अ प्रोमिनेंट तमिल थिएटर आर्टिस्ट एंड अ स्क्रिप्ट राइटर ऑफ तमिल फिल्म्स एंड ही हैज़ पास्ड अवे एट 2 PM यस्टरडे। और ही वॉज बॉर्न एज मोहना रंगाचारी एंड ही वॉज गिवन द नेम क्रेज़ी आफ्टर द पॉपुलर प्ले क्रेज़ी थीव्स इन पलवक्कम। इस प्ले की वजह से इनको ये नाम दिया गया था और दोस्तों इनका देहांत हो गया है। तो सवाल बनेगा दैट क्रेज़ी मोहन वॉज अ, तो आंसर होगा अ प्रोमिनेंट तमिल थिएटर आर्टिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर फॉर तमिल फिल्म्स। ये आप याद रखिएगा। और इनका जो बहुत ही पॉपुलर प्ले है क्रेज़ी थीव्स इन पलवक्कम, इसका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अगली खबर पर।
Again, a sad news, guys, and he was one of my heroes. When I was 20 years of age, I first got to know about this great man. जब मैं 20 साल का था तो पहली बार मुझे इनके बारे में जानकारी मिली एंड तब से लेकर मैं इनके प्लेस को और इनकी जो जर्नी है उसको फॉलो कर रहा हूँ. एंड गाइज, लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया. ही वॉज नॉट ओनली अ फेमस, अ वेरी फेमस प्ले राइट, ही वॉज नॉट ओनली अ पद्मा अवॉर्डी बट ऑल्सो अ ज्ञानपीठ विनर एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस एक्टर. जो लोग नहीं जानते हैं इनको, टाइगर जिंदा है में जो बॉस का रोल प्ले किया था सलमान खान के, वो यही हैं. एंड इनका देहांत हो गया एंड ही पास्ड अवे यस्टरडे. एंड ही विल बी नोन फॉर हिज प्लेज, ही विल बी नोन फॉर हिज एक्टिंग, फॉर ऑल्सो हिज स्क्रीन प्ले. एंड ही हैज़ गाइज पास्ड अवे. तो आइए एक बार दिखा देते हैं इन्हीं के बारे में. ये टॉप 5 पॉइंट्स रहे ताकि आपको याद भी रहे. पहला, ये राइटर थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, ज्ञानपीठ अवॉर्डी, पद्म अवॉर्डी भी थे. इनका पहला प्ले था माँ निषादा इन 60 एंड उनका जो जो बहुत जो फेमस प्ले निकला दैट वाज ययाति इन 961. इनका जो लास्ट प्ले था दैट वाज राक्षसा तंगाड़ी विच वाज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. उन जो विजयनगर साम्राज्य था उसके लास्ट ईयर्स के ऊपर प्ले बनाया था राक्षसा तंगाड़ी. एंड ये कई फिल्म्स इन्होंने बनाई जैसे कि उत्सव, तबालियू, नांदे एंड काड़ू. ये फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट भी यहाँ पर की. सो ही वॉज अ मैन ऑफ मल्टीपल फसेट्स, मल्टीपल असेट्स. एंड गाइज, इनका देहांत यहाँ पर हो गया. इनका नाम था गिरीश कर्नाड. कई बार एक टीवी सीरीज भी आई थी मालगुड़ी डेज, उसमें भी आपने इनको देखा होगा. वेल, जो मेरी उम्र के हैं हु आर 90s किड्स, उनको तो ये टीवी सीरीज याद ही होगी. डीडी पे भी आता था और सोनी पे भी आता था. एंड आर के नारायण ने इस पर्टिकुलर बुक को लिखा था एंड उसी में इन्होंने जो बच्चा है उसके फादर का रोल भी कई बार यहाँ पर प्ले किया था. ओके, मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गया बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई चाइल्डहुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और बुरी खबर है. फॉर्मर पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है आरवी जानकी रमन, उनका भी देहांत हो गया. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 और ये पुडुचेरी में दोस्तों इनका देहांत हो गया. तो इनका नाम आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ आपको पढ़ना है नहीं. इनका नाम दोस्तों है आरवी जानकी रमन एंड ही हैज़ गाइज पास्ड अवे एंड ही वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड डी एम के लीडर फ्रॉम पुडुचेरी. इनका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है. क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो लिंक है मेरे ग्रुप का वो मैं आपको ऑप्शंस में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ. चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं चलते हैं आपको अगली खबर पर. दी SEO समिट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस गाइज. ये समिट आपका होने वाला है और इस समिट में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं ही विल मीट जी जिनपिंग द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना एंड व्लादिमिर पुतिन द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया. उम्मीद कम है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इन ही विल मीट. उम्मीद कम है कि वो मीट करेंगे इमरान खान को, पर इन दो लीडर्स थे तो वो यहाँ पर मीट करेंगे. इसके अलावा इंडिया ने कहा है कि वो पार्टिसिपेट करेगा SEO की रैट्स एक्सरसाइज में. रैट्स का फुल फॉर्म रट्टा मार लीजिए, इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर. ये जो आपका होता है इट जनरली टेक्स प्लेस बिफोर SEO समिट. इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और ये बेसिकली एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज भी थी 2018 में जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें इस बार भी इंडिया पार्टिसिपेट आपका करने वाला है. ऑल राइट, जो SEO समिट होगा वो आपका होगा इन बिश्केक विच इज़ द कैपिटल ऑफ किर्गिज रिपब्लिक और ये जून 14 को आपका यहाँ पर होने वाला है. तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपको गाइस कि द कीवर्ड हियर इज SEO. SEO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. द समिट इज टेकिंग प्लेस ऑन जून 14. कहाँ पर हो रहा है? इन किर्गिज रिपब्लिक. कहाँ पर? वहाँ पर, इन बिश्केक. और इसके अलावा इंडिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रैट्स जो कि अगेन इट्स बेसिकली डायलॉग एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर विंग ऑफ SEO जो कि है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर रैट्स. तो आइए एक बार देख लेते हैं SEO के बारे में डिटेल में. SEO का फुल फॉर्म
as मैंने पहले आपसे कहा, इसका full form है Shanghai Cooperation Organization, number one. Number two, it is also known as Shanghai Pact. और basically ये आपका 2001 में Shanghai में आपका बना था. इसके जो founding members थे वो हैं China, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russia, Tajikistan, Uzbekistan. इसमें अब India भी आपके members हैं. Currently इसके 8 member states हैं, जिनमें अगर addition की हम बात करें तो पाकिस्तान भी है आपका और इंडिया भी इसका अब आपका मेंबर बनके सामने आया है. देन देयर आर आल्सो 4 ऑब्जर्वर स्टेट जो कि ऑब्जर्व करते हैं इन समिट्स को. उनमें है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया. सिमिलरली देयर आर 6 डायलॉग पार्टनर्स जो कि इनसे डिस्कशन करते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंट इशूज. उनमें है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका. ये इनके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं. इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द डायलॉग पार्टनर्स, पर अब इंडिया इनके 8 मेंबर्स के अंदर आपके जो ओवरऑल मेंबर्स हैं उसमें इंडिया भी इसका यहाँ पर मेंबर है. तो यहाँ पर सवाल बनेगा पहला अबाउट एससीओ समिट. एससीओ समिट कहाँ पर हुआ प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में जल्दी से. सेकेंड सवाल बनेगा वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैट्स, उसको बता देना कमेंट सेक्शन में. एंड थर्ड सवाल बनेगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एससीओ, तो उसका आंसर भी आपका 8 यहाँ पर होने वाला है. एक सवाल आ रहा है लतेश लोहिया का, रोल ऑफ रैट्स. जैसे कि आपने यहां पर नाम देखा मेरे भाई, रैट्स का जो मेन मकसद है टू एक्चुअली हैव अ फ्रेमवर्क अगेंस्ट एंटी अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई है उसको लेकर रैट्स को बनाया गया है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सबको. अगर क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर या फिर छप गया, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सबको यहां पर क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. कनाडा हैज़ बिकम अ कंट्री जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का बैन करेगी 2021 के लिए. दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय जस्टिन ट्रूडू जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि 2021 तक जो कनाडा है वो सिंगल यूज जो प्लास्टिक का है उसको जो उसके कोस्टल एरियाज हैं स्पेशली जो उसके इनलैंड एरियाज हैं वहाँ से, तो उसको वो यहाँ पर कन्फर्म तरीके से बैन कर देगी. सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा एंड दैट क्वेश्चन विल बी दैट विच कंट्री विल बैन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम 2021. उसका आंसर क्या होगा आपके सामने, कनाडा. बस इसके अलावा इसमें आपको कुछ और पढ़ना नहीं है. देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद कर देगा, तो उसका आंसर होगा आपका कनाडा. क्योंकि हम यहां पर कनाडा की बात कर रहे हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं कनाडा के बारे में. ये रहा कनाडा का मैप स्टडी. यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कनाडा ये रहा आपके सामने, बहुत ही बड़ी कंट्री है ये. इसके बगल में वी हैव अलास्का विच इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूएस. ऑन द अदर साइड एज वेल वी ऑल्सो हैव द यूएस. सिमिलरली इट इज सराउंडेड बाय द बैफिन बे ऑन वन साइड, बाय द आर्कटिक ओशन ऑन द अदर साइड, हडसन बे जो कि काफ़ी फेमस वाटर बॉडी है कनाडा की वो यहाँ पर है. देन वी हैव द जेम्स बे एज वेल एडजॉइनिंग हडसन बे. इसके अलावा जो इसके नियर बाय कंट्री है वो आपकी है द ग्रीनलैंड जो कि इसके नियर बाय कंट्री है. देन वी हैव आइलैंड लाइक द विक्टोरिया आइलैंड, द क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड. तो ये मैप आपके सामने मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर कि आप जो चीज़ें एग्जाम रिलेटेड हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. सवाल मेरा आपसे है कि कनाडा कैपिटल क्या है एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा. ये दो सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ. कैपिटल क्या है एंड व्हाट इज़ द करेंसी. ये तो आसान मैंने बोल दिया, अगर आप चाहो तो इसका भी मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ग्रीनलैंड. ये भी चीज़ आप चाहो तो यू कैन लेट मी नो. पर ये एक मैप था जो कि आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक आप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि कोई भी आपको डाउट यहाँ तक नहीं है. ठीक है, अपर्ण आरआरबी नोटिफिकेशन बाय द एंड ऑफ दिस वीक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड तब तक तो आपका ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 110%. चलिए आगे बढ़ें, ले चलें आपको हमारी अगली खबर पे. चाइना इज कंसर्न्ड अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म स्पेशली बाय द यूएस. अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, और फर्स्ट आई रिपीट ये वर्ड क्या है आपका, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. अब सवाल बनता है कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अप यूएसए. ऑलराइट, यूएसए चाहता है कि अधिक एक्सपोर्ट करे और कम इम्पोर्ट करे. यूएस चाहता है कि जो चीज़ें वो इम्पोर्ट करे उस पर वो टैक्सेस को बढ़ा दे. यूएस चाहता है कि जो अमेरिकन्स हैं वो चीज़ें परचेज करें जो अमेरिकन कंपनी बनाती हों,
कोई और ना बनाता हो. सो बेसिकली यूएस इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन ट्रेड. वो चाह रहा है कि उसका खुद का ट्रेड बचा रहे एंड वो ट्रेड बढ़ाए एंड जो फॉरेन ट्रेड है जिसमें कि इम्पोर्ट बड़ा रोल प्ले करता है उसे वो कम से कम कर दे या फिर उस पर वो टैक्स लगा दे. जो लोग मेरा शो लगातार देखते हैं, येस्टरडे मैंने डिस्कस किया था अबाउट जीएसपी. तो जल्दी से बच्चों बता दो कि जीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज जीएसपी जो है वो यहाँ पर रेलिवेंट है. तो जीएसपी भी एक एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पर कि जीएसपी हटाने की बात कही है सरकार ने ऑफ द यूएस, ताकि जो एक फ़ायदा होता है इंडिया को, टर्की को, अदर कंट्रीज़ को टू इम्पोर्ट टू द यूएस वो कम हो जाए. सिमिलरली चाइना के साथ तो ऑलरेडी ट्रेड वॉर चली रही है. इट इज़ ट्राइंग टू इंकरेज मोर कंपनीज इन द यूएस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स. उन्होंने ये ऐलान किया भी है हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन, जहाँ पर कि देश के अंदर ही बढ़ाया जाए ट्रेड को. तो वो आपका होता है दैट बेसिकली इन अ नटशेल इट इज़ टू प्रमोट डोमेस्टिक मार्केट. वो यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करता है. तो आइए पर देख लेते हैं इस ग्राफिक के जरिए कि एक ट्रेड प्रोटेक्शन आखिरकार होता क्या है. देर आर गाइज फोर मेथड्स जिनके बेसिस पर आप कह सकते हो कि दैट कंट्री इज फोकसिंग ऑन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. वो जो देश है वो अपने व्यापार को सुरक्षित करने की बात यहाँ पर कर रहा है. उनमें पहला आता है आपका फॉर एग्जाम्पल द स्मूथ हॉली टैरिफ ऑफ 1930. यहाँ पर यूएस के अंदर या कई कंट्रीज में जो फार्मर्स हैं उनको कहा गया कि अपने इम्पोर्ट्स को यूरोप में प्रोटेक्ट करें. ये पहला था. सेकेंड था जब गवर्नमेंट ने लोकल इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज किया कि उनके जो आइटम्स थे उन पे उसने डिस्काउंट दिया, उन्हें सस्ते दर पे परचेज किया और जो बाहर से इम्पोर्टेड आइटम्स थे उनके प्राइस को बढ़ा दिया. थर्ड था आपका कोटा, जिसकी मैंने पहले आपसे कहा कि जो प्राइजेज हैं इम्पोर्टेड गुड्स की उसको बढ़ा दिया. एंड आखिरी है डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय अ कंट्री टू लोअर इट्स करेंसी वैल्यू. अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक डॉलर पे 60 रुपये मिलते हैं और मुझे अभी एक डॉलर पे मिलते हैं 65 रुपीस, तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है. तो मैंने अपनी करेंसी वैल्यू क्या कर दी, अपनी करेंसी वैल्यू मैंने यहाँ पर कम कर दी. सो ओवरऑल मैं फिर से रिपीट करूँगा गाइस, देयर आर 3 to 4 मेथड्स ऑन विच द एंटायर ट्रेड मेथड बेस्ड. चाहे आप टैरिफ्स को कम कर दो, चाहे आप सब्सिडीज दे दो इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक, चाहे आप इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्सेस बढ़ा दो या फिर अपनी करेंसी को लोअर कर दो, कोई भी चीज़ कर दो जिससे कि आपका कंट्री का जो ट्रेड है वो बढ़ जाए या ट्रेड आपका कंजर्व हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए. दैट माई फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. यहाँ पर परवेज आलम लिख रहे हैं हिंदी, मेरे भाई जिगर के छल्ले. मेरे भाई ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी में, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे और किस शब्द का इस्तेमाल करूँ कि आपको एहसास हो जाए कि मुझे हिंदी भी आती है. पर इज इट क्लियर टू एवरी वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म. अगर क्लियर है कमेंट कर दीजिएगा येस सर हमें ये क्लियर है. बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसपी. आगे बढ़ें, एक बार जरा कमेंट्स कर दीजिएगा येस सर, लेट्स प्रोसीड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ. अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सेबी मल्स नॉर्म्स टू रिवॉर्ड विसल ब्लोअर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड मल्स. मल्स मीन्स इट इज थिंकिंग ओवर, इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिवॉर्ड विसल ब्लोअर्स. विसल ब्लोअर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर गलत होता है तो उसकी कंप्लेंट कर देते हैं या उसको एक तरह से पब्लिकसाइज कर देते हैं कि गलत हो रहा है एक कंपनी में या एक मार्केट में. तो कैसे सेबी कोशिश कर रहा है कैसे हम रिवॉर्ड करें विसल ब्लोअर्स को, जो कि जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है, जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में जानकारी यहां पर देते हैं. तो आइए एक बार देख लेते हैं इसी के बारे में. सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है आपके कैपिटल मार्केट का, जो कि हाल ही में जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको लेकर भी न्यूज में था. तो इसने कहा है कि वो एक फ्रेमवर्क बनाएगा जिससे इट विल रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स जो कि इंस्टेंसेस लाते हैं वायोलेशन के ऑफ द इनसाइड ट्रेडिंग नॉर्म, जो इलीगल ट्रेडिंग है उसके ये केसेस यहां पर लाते हैं. सवाल यहां पर यह है कि अगर मिनिमम डिसगॉर्जमेंट 5 करोड़ का है, मतलब 5 करोड़ का अगर हेर फेर है, डिस्गॉर्ज मतलब होता है खा के बैठ गए या फिर हेर फेर कर दिया, तो वहां पर मॉनेटरी अवार्ड विल बी 10% ऑफ द मनी कलेक्टेड बाय सेबी. जितना पैसा इस जानकारी के बाद कलेक्ट किया जाएगा उसका 10% दिया जाएगा, पर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक ही अवार्ड दिया जाएगा टू द इन्फॉर्मेंट जिसने की जानकारी दी है. ये जो पैसा होगा इट विल बी पेड फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPEF. सेबी ऑल्सो इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश एन ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन,
जहां पर कि जाकर आप जानकारी यहां पर दे सकते हैं. सो ओवरऑल मैं फिर से रिपीट करूं, विसल ब्लोअर्स के लिए, इन्फॉर्मेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसके तहत 1 करोड़ तक का एक कैप बनेगा उन्हें पे करने का, और ये पे किया जाएगा फ्रॉम द आईपीई फंड. इसके लिए सेबी इज वेरी वेरी सीरियस. अगर हम सेबी की यहां पर बात करें तो सेबी वॉज फॉर्म्ड इन 1988 बट in 1992 it was made the regulator of the capital market. और इसका जो एक्ट भी है वो भी आपका 1992 में आया, दैट इज द सेबी एक्ट ऑफ 1992. अभी जो इसके चेयरमैन उनका नाम है अजय कुमार त्यागी एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी आर इन मुंबई. अगर हम सेबी की बात करें, सेबी आखिरकार न्यूज़ में क्यों है? सेबी ने भी हाल ही में एमओयू साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. देन सेबी ने हाल ही में एनएससी को बार किया था फॉर 6 मंथ्स क्योंकि उनके ऊपर कोलोकेशन का केस था. कोलोकेशन के बारे में डिस्कस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं जहाँ पर मैं डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज कोलोकेशन. देन इंश्योरेंस एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया या ब्यूरो ऑफ इंडिया और सेबी ने साइन किया है कैसे हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को और बेहतर इंप्लीमेंट करें. सो इन तीन वजहों से भी आपका सेबी जो है वो न्यूज में था. यहां तक किसी को भी एक पैसे का भी डाउट है प्लीज मेरे को बता दो, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स. एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, एनी डाउट जल्दी से बता देना, अगर नहीं तो लिख दीजिएगा सुपर सेबी ऊपर. ओके, एक सवाल आया आशु खोकार का, सर व्हाट इज एमओयू? एमओयू का फुल फॉर्म बेटा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली इट इज अ रिटन अग्रीमेंट दैट इज साइंड बिटवीन टू पार्टीज ऑन अ सेट ऑफ अग्रीमेंट्स, उसे हम यहां पर एमओयू का नाम देते हैं. ठीक है, ओके ओके. एमओयू कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एमओयू एक अग्रीमेंट होता है इनफॉर्मल कि भैया हमने अग्री किया है अपनी चीज़ को लेकर. ओके, दार स्टूडियो, वेल अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये रहा मेरा लिंक, इस पर जाके आप डाउनलोड पीडीएफ को कर सकते हैं. आईबीबीआई राघवेंद्र इज इंश्योरेंस एंड बैंकरप्सी ब्यूरो ऑफ इंडिया जिसका मेन काम जो है वो है टू बेसिकली सेट आउट रूल्स कैसे हम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को और बेहतर यहाँ पर कर सकें. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अगली खबर पर. एक बड़ी खबर आ रही है फॉर द बैंक्स. देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एक बार समझिएगा ध्यान से. पहला अकाउंट होता है आपका नॉर्मल सेविंग्स, ठीक है, और दूसरा आपका होता है जनधन या इसे हम BSBDA भी कहते हैं. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में आपको चेकबुक मिलती थी या मिलती है, पर अब यही काम इनके साथ भी होगा. अ चेकबुक कैन बी इशूड बाय अ जनधन बैंक अकाउंट होल्डर या फिर एक BSBDA अकाउंट होल्डर, जहां पर BSBDA का फुल फॉर्म है बी से बेसिक, एस से सेविंग्स, बी से बैंक, डी से डिपॉजिट, ए से अकाउंट. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, हम डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल्स अगले स्लाइड में, पर फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि चेकबुक नाउ कैन बी इशूड फॉर अ जनधन अकाउंट और अ BSBDA अकाउंट. इसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी कह सकते हो, बट सिंस जीरो बैलेंस के साथ साथ यहाँ पर कोई और फीचर्स भी हैं इसीलिए इसका जो नया नाम पड़ा था दैट वॉज BSBDA और अब इसका जो नया नाम है दैट इज अ जनधन अकाउंट. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रसन्ना. अर्ली इट वॉज नोन एज नो फ्रिल्स अकाउंट और अब इसका नया नाम BSBDA. नाउ BSBDA को हम जनधन अकाउंट भी यहाँ पर कहते हैं. ये क्लियर हो गया सबको? चलिए तो आइए एक बार देखते हैं द फीचर्स अबाउट द BSBDA अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म गाइज प्लीज रट्टा मार, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट नंबर वन. नंबर टू, यहाँ पर देर विल बी नो मिनिमम बैलेंस नंबर टू. नंबर थ्री, यहाँ पर आप पैसे निकाल सकते हैं ATM से, पर यहाँ पर जो मैक्सिमम विड्रॉल है दैट इज 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल्स, ये यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है. पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको ATM कार्ड या ATM कम डेबिट कार्ड तो यहाँ पर मिलता ही है. यहाँ पर BSBDA का एक और होता है टाइप दैट इज BSBDA स्मॉल अकाउंट, जहाँ पर कि ओवरऑल जो आपका एक लेन देन है, ओवरऑल जो आपका एक क्रेडिट है एक बैंक अकाउंट में दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख. 1 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शंस आपके नहीं हो सकते एक अकाउंट में. सेकंड, एक मंथ में मैक्सिमम 10,000 रुपीज आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, और एक समय इस अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस शुड बी 50,000 रुपीज. ये भी एक इसका एक स्मॉल अकाउंट होता है जिसमें कि ये यही है कंडीशन 8, कंडीशन 9 एंड कंडीशन 10, जहां पर द मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस पर ईयर विल बी 1 लाख, द मैक्सिमम विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन अ मंथ विल बी 10,000 एंड मैक्सिमम बैलेंस एक किसी भी पॉइंट पर इस अकाउंट में होता है आपका 50,000 रुपीज. ऑल राइट,
क्लियर हो गया आपको, कोई भी डाउट है मेरे को बता देना, अगर डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट कर दो सुपर से भी ऊपर, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्लियर हो गया है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। अनामिका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, येस इन द जनधन अकाउंट, जनधन में भी आपका बीज मिलता है, जनधन अकाउंट में येस देर इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, वहां पर बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वहां पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। सुश्री समीक्षा, नो फ्रिल्स मींस नो बैलेंस, जीरो बैलेंस, ओके ओके, इज इट क्लियर एवरीवन, चलो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। सिनान ऑस्कॉक विल लीड द निसान इन द इंडियन मार्केट्स, निसान मोटर्स हैज अनाउंस्ड सिनान ऑस्कॉक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशंस एंड ही विल बेस्ड आउट ऑफ गुरुग्राम एंड वहां से आपका काम यहां पर चलता रहेगा। सिंपल खबर है, बस आपको यही याद रखना है कि सिनान ऑस्कॉक जो है ही इज़ द लीडर, ही इज़ द हेड ऑफ निसान मोटर्स इंडिया, बस इतना ही आपको याद करना है, इसमें कुछ और आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द कनेडियन ग्रैंड प्री गाइज हैज़ बीन वन बाय अगेन वन बाय लुइस हैमिल्टन, बट एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी जहाँ पर वेटल को पेनलाइज किया गया था फॉर अनसेफ री एंट्री फोर्सिंग अनदर ड्राइवर ऑफ द ट्रैक, इसके लिए उन्हें 5 सेकेंड का पेनल्टी, जिस वजह से जो विनर निकले इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप के, इस पर्टिकुलर ग्रैंड प्री के, दैट वाज लुइस हैमिल्टन। देखिए लिखा हुआ है, लुइस हैमिल्टन मेंटेन मर्सिडीज रिकॉर्ड विनिंग स्टार्ट टू अ सीजन व्हेन ही वाज हैंडेड अ कंट्रोवर्शियल विक्ट्री कर्टसी ऑफ अ डिस्प्यूट स्टीवर्ड्स डिसीजन टू पेनलाइज सेबास्टियन वेटल एट द कैनेडियन ग्रैंड प्री। डिफेंडिंग 5-time वर्ल्ड चैंपियन है और ये अब ओवर लीडर भी हैं, जब वो सेकेंड भी आए थे बिहाइंड वेटल, बट उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया जब 5 सेकेंड की पेनल्टी दिया गया टू द जर्मन फॉर री एंट्री, फॉर अनसेफ री एंट्री, जिससे कि दूसरे ड्राइवर को ऑफ ट्रैक होना पड़ा। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर अगेन कॉन्ट्रोवर्सी में आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो कनेडियन ग्रैंड प्री के विनर हैं, द कनेडियन ग्रैंड प्री हैज इन फैक्ट बीन वन बाय मिस्टर लुइस हैमिल्टन हु ड्राइव्स द मर्सिडीज, ही इज अ डिफेंडिंग 5-time वर्ल्ड चैंपियन एज वेल। ये नाम आप यहां पर याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया आप सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अगली खबर पर। दोस्तों द यूएफा नेशंस लीग टूर्नामेंट हैज जस्ट कंक्लूडेड, ये टूर्नामेंट आपका हो रहा था इन पोर्टो और इस टूर्नामेंट के जो फर्स्ट जो पुर्तगाल है, इट इज द फर्स्ट टीम टू विन द टूर्नामेंट व्हेन द यूएफा नेशंस लीग टूर्नामेंट व्हेन अ गोल बाय गोंकालो गुएदेस वन देम ओवर नेदरलैंड्स इन द फाइनल्स ऑन संडे। तो सिंपल सी खबर याद रखिएगा कि पोर्चुगल जिसके कैप्टन हैं द टैलिस्मैनिक द ग्रेट रोनाल्डो, उस टीम ने जीता है इस बार का यूएफा नेशंस लीग टूर्नामेंट और इस बार उन्हें हराया है द नेदरलैंड्स को। ये नाम आप यहां पर याद रख सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें इस टूर्नामेंट की, दैट इज़ द यूएफा नेशंस टूर्नामेंट, तो ऑब्वियसली बात है नाम से आप पता चलना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में द कंट्रीज पार्टिसिपेट, ऑलराइट, एंड इस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीता है पोर्चुगल ने, ठीक है, एंड द स्कोर लाइन ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट वॉज 1-0, ओके। ओके, ये टूर्नामेंट आपका काफ़ी नया है, दिस टूर्नामेंट हैज़ बीन फाउंड इन 2018 और इसमें 55 नेशंस ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया था इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और देश जैसे कि लिखा भी हुआ है कि बेसिकली जो अब आपके फ्रेंडली मैचेस होते हैं बिटवीन कंट्रीज, उसकी जगह अब आपका नेशंस लीग टूर्नामेंट ही आपका होगा एंड इसको जीता है आपके पोर्चुगल ने, ठीक है। क्लियर हो गया, एक बार मेरे स्क्रीन पे रहिए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, एनी डाउट अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। अब आ रही है हमारे आज के दोस्तों स्टैटिक जीके की, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, लेट्स डिस्कस स्टैटिक जीके। और आज का जो हमारा, देखो जो लोग पहली बार शो में आए हैं, मैंने शुरू किया था ए से और अब मैं पहुंच गया हूं जी पर। सो अगर आप मेरे प्रीवियस शोज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जो स्टैटिक जीके हैं स्टेट्स के, उनके नोट्स आपके बन रहे होंगे, बिकॉज आप कल हमने डिस्कस किया था अबाउट गोवा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट गुजरात, ऑलराइट। सो गुजरात जो है वो आपका बना इन मे 1960, ये वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है आपका, एंड अगर मैं सही हूँ इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया,
State ke, ke surrounding mein, we have the Arabian Sea on the west, Pakistan and Rajasthan in the north and northeast, Madhya Pradesh in the southeast and Maharashtra in the south direction. Gujarat pehla state hai jahan par ki ek separate department hai climate change ka, aur ye pehla state hai jahan par solar policy ko lekar bhi ek different policy aayi hai. Iska jo capital hai, that is Gandhinagar. Please yaad rakhiyega, Ahmedabad is the biggest city but it is not the capital. Gandhinagar is in fact the capital. Governor yahan ke hain Om Prakash Kohli, CM yahan ke hain Vijay Rupani, aur ye 6th sabse badi rajya hai area ke hisab se India mein, and 9th sabse badi rajya in terms of the population. Gujarat 3 Bharatiya states mein se hai jahan par madira pan alcohol ka sevan mana hai, it is prohibited the sale of alcohol. Basically jo iski sabse badi river hai Gujarat ki wo hai Sabarmati, followed by Tapi, par Narmada river jo hai wo sabse jyada longer distance cover karti hai and it covers the entire state. To wo naam bhi aapko yahan par yaad rakh lena hai. Fir yahan par ek white desert hai jiska naam Run of Kutch. Every year yahan par hota hai the Run of Kutch festival, wo bhi iska ek bahut hi attractive sa aapka yahan par ek feature hai. So pehle ye rahe top 12 points, isko ek baar ratta maar lijiyega and fir aate hain hum next hamare 12 points par. Gujarat ka jo folk music hai uska naam hai Sugam Sangeet. ये एक प्रोफेशन, ये प्रोफेशन रहा है ऑफ बरोद, गढ़वी एंड चरण कम्युनिटीज़. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फोक ट्रेडिशंस हैं उनमें आपका भवाई और रास गरबा भी आता है. फिर यहाँ पर गीर नेशनल पार्क जो है दैट इज़ फेमस फॉर द एशियाटिक लायन. अदर नेशनल पार्क्स में आपका है वंसदा, ब्लैक बक, वेलावदार, नरारा एंड गल्फ ऑफ कच्छ. वाइल्ड सेंचुरी बहुत सारी हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा. टेम्पल साइट्स में वी हैव सोमनाथ टेम्पल, बहुत ही फेमस, बहुत ही टेम्पल रहा है, द्वारका सिटी रही है फेमस. देन भारत का 60% जो सॉल्ट बनता है वो यहीं पर बनता है. इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में वी हैव द कांडला पोर्ट जो कि यहाँ का है. श्राइन्स में जमा मस्जिद, रानी रूपमती मॉस्क, और हिस्टोरिक प्लेसेस में वी हैव द ऊपर कोट फोर्ट, रानी की वाव जो कि वन ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स है, और अदलाज वाव वो भी यहाँ पर आपके सामने मैंशन किया गया है. सो ये टॉप 22 पॉइंट्स हैं जिनको कि आप यहाँ पर चाहें तो याद रख सकते हैं. दिस पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड बिकॉज इन पर सवाल आपका बन सकता है. तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. थैंक यू सो मच, कल आपने बहुत सारे मुझे कमेंट्स किए तो मैं उन पे जरूर वर्क करूंगा एंड कल आई विल बी बैक अगेन गाइस वर्किंग ऑन दोज कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस शो अ बेटर शो दैन येस्टरडे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको शो पसंद है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आपको पसंद है, एंड प्लीज़ आज भी आप चाहो तो मेरे को फीडबैक लिखिएगा. एक फीडबैक जो मेरे को बार बार आया दैट वॉज रेगुलरिटी, तो वो रेगुलरिटी को हम मेंटेन करेंगे एंड उसको हम कंटिन्यू यहाँ पर करते रहेंगे. सेकेंड फीडबैक आया सर आप क्वेश्चन क्यों लेते हो, जो चलो कल से हम कुछ एमसीक्यूज को लेना शुरू कर देंगे. बाकी आपने इस शो की बहुत तारीफ की, उसके लिए आई एम हम्बल्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलता हूँ आपसे मैं कल. तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय बाय. Subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update.